हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल LWD जॉब में। कस्तूरबा विद्यालय से संबंधित जरूरी सूचना, जिन कैंडिडेट ने जिस भी राज्य में पहले फॉर्म अप्लाई किया था, चाहे वह झारखंड राज्य हो, बिहार राज्य हो, उत्तर प्रदेश हो, ठीक है, तो यहाँ पर जो है काउंसलिंग रेट जो है अलग अलग जिले वाइज जो है वो जारी की गई है हर राज्य में। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाली हूँ कैसे जो है आप लोगों को चेक करना है। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल के तौर पे बता देती हूँ। जैसे बिहार राज्य में सुपौल जिले में काउंसलिंग की डेट जारी हो गई है, झारखंड राज्य में जिला जामताड़ा, इसी तरीके से जिले वाइज जो है वो सभी में जारी हो गई है। जिन भी कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया था मेरा वीडियो देखकर, तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक ज़रूर मिला होगा, उसी पर जो है आप लोगों को क्लिक करना है और ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है, ठीक है। जैसे ही होम पेज पर आएंगे, नीचे आप देखेंगे व्हाट्स न्यू में आप लोगों को ज़रूर नज़र आएगा, कहीं पर भी देखना है आप लोगों को। जैसे कि यहाँ पर थर्ड नंबर पर देखिए, नोटिस फॉर काउंसलिंग ऑन वीकेंड वेकेंट पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर अंडर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन सुपरिटेंडेंट ऑफिस जामताड़ा, ठीक है। तो ये जो है जिला जामताड़ा की है, और इसी तरीके से जो है वो झारखंड की थी, ये बिहार राज्य की जो है इसमें सुपौल जिले में, ठीक है। इसी तरीके से ये देखिए सुपौल जिले में 24 जून 2024 का ये नोटिस है, यानी कल की ही डेट का है। तो इसमें लिखा है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के रिक्त पदों पर अभ्यर्थियों के चयन हेतु काउंसलिंग दिनांक 28 जून 2024 को बिहार शिक्षा परियोजना सुपौल के सभा कक्ष में 11 से 3 बजे तक निर्धारित है, ठीक है। तो आप लोगों को ये देख लेना है, जिन भी कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किए हैं जिस भी राज्य में, चेक करते रहें, ये आपका ही काम है। हो सकता है आप लोगों को सूचना जो है वो नहीं मिल पा रही है, तो आप लोग खुद जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर चेक करें, ठीक है। बाकी जो है डेट और टाइम सब्जेक्ट वाइज जो है आप लोगों को सभी में मिल ही जाएगी। तो ये जो है बिहार राज्य के सुपौल जिले की है, बिहार राज्य के और भी जिले की जो है वो आप चेक करते रहें। आप लोगों को मैं वीडियो के माध्यम से बता ही रही हूँ। अब देखिए दुमका डिस्ट्रिक्ट, ये झारखंड रांची में है, इसमें भी जो है डेट निर्धारित हो गई है वर्ग 1 टू 5 एंड वर्ग 6 टू 8। अंतिम काउंसलिंग के बाद अवशेष पदों पर नियुक्ति हेतु आवश्यक सूचना दुमका जिले की वेबसाइट पर अपलोड की जा रही है, ठीक है। तो काउंसलिंग की डेट जो है 22 जुलाई 2024 के संध्या 5 बजे के उपरांत किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो पूरा पढ़ना है आप लोगों को ये चीज़। आपने फॉर्म अप्लाई किया है, आपने किस राज्य में किया है मुझे नहीं पता है, किस जिले के अंतर्गत किया है, तो आप उसे जरूर चेक करें, ठीक है। एक जो है बोकारो डिस्ट्रिक्ट भी झारखंड रांची में है, इसमें भी जो है डेट और कहाँ पर जो है आप लोगों को जाना है, ये सारी चीज़ें। काउंसलिंग की डेट इसमें 1 अगस्त 2024 है, ठीक है। उसके बाद जो है अंतिम चयन सूची प्रकाशित होगी 7 अगस्त को। तो कई कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करने के बाद जो है वो बिल्कुल चेक ही नहीं करते हैं, और ये जामताड़ा का मैंने आप लोगों को दिखा ही दिया है। कुल विज्ञापित पद कितने थे, कुल कितनी नियुक्ति हुई है, अब रिक्त पद कितने हैं, जो भी रिक्त पद हैं दोबारा से वैकेंसी आ जाएगी, ये चीज़, ठीक है। तो एक बार दोबारा से आपको बता देती हूँ, आपने जिस भी राज्य में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में फॉर्म अप्लाई किया था, तो उस वीडियो को आपने देखा होगा जो भी मैंने यूट्यूब पर डाला। अब उस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, उसमें जो है लिंक जरूर शेयर किया जाता है, ताकि आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर आएं, और यहाँ पर कहीं पर भी आप लोग जो है वो देखें। जैसे ये दस्तावेज है, यहाँ पर मिल सकता है आप लोगों को, या फिर थोड़ा नीचे आकर भी जो है आप लोग देख सकते हैं, समाचार में जो भी नई अपडेट होती है वो इनके द्वारा डाली जाती है, तो यहाँ पर आप चेक करें, ठीक है। तो ये चीज़ जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि काउंसलिंग की डेट ही निकल जाएगी तो कोई भी फायदा नहीं है। आप लोगों ने जो भी मेहनत की थी, फॉर्म अप्लाई किया था, यहाँ पर देखिए आपको राइट साइड में नोटिस यहाँ पर भी मिल सकता है अनाउंसमेंट में, ठीक है, ये आप देखते हैं, नहीं तो व्हाट्स न्यू में तो आपको दिख ही जाएगा। तो ऐसे ही जो है जो भी इम्पोर्टेंट
स्टूडेंट्स के लिए रहेगा, चाहे वह एग्जाम से संबंधित हो, शिक्षक भर्ती की स्पेशली, चाहे वह जॉब से संबंधित हो, आप लोगों को बिल्कुल वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। तो फिलहाल जिन कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया था तो अभी जो है वो चेक कर लें। थैंक यू।